तो जी हाँ भाई और बहनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल जियो पानी पर। मेरा नाम है पम्मी और ये है हमारी प्यारी दुबई की सिटी। और शांति से आज हमें गेम खेलने, क्योंकि रात हो चुकी है और मैं बहुत देर तक यहाँ पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे चीफ ने बहुत सारे काम दे के रखे हुए हैं। मुझे सारे काम कंप्लीट नहीं हुए क्योंकि लॉग ही पूरा दिन बेवकूफ़ी कर रहा था। खुद तो सो गया, अपने काम उसने पूरे कर लिए लेकिन मेरे काम जो रह गए। तो मुझे ये ओरे क्रीपर फटियो मत, रात हो चुकी है, रात को नहीं फटते भाई। अगर रात को फटा तो पूरी दुबई की सिटी एकदम से जाग जाएगी यार, मर ले अब। ओए ये अभी मैंने आवाज़ सुनी यहाँ पर, जैसे कोई भारी भरकम चीज हमारे गांव की तरफ बढ़ रही हो। और ये फिर से सायरन बज रहा है। व्हाट, ये सायरन कैसे बज सकता? वो ये सायरन कैसे बज सकता? और ये सामने एकदम अजीब सी मॉब मेरे सामने खड़ी है। व्हाट द हेल, ये क्या? वो वो ओके, एक काम करता हूं, सबसे पहले लॉगे को उठा के लेके आता हूं, क्योंकि मेरे को डेफिनेटली यहां पर हेल्प चाहिए। और मुझे लग रहा है कि सायरन हेड एक बार फिर से दुबई के अंदर आ चुका है। और जहां तक कि मेरा ख्याल है, हमने उसको कम्प्लीटली बिल्कुल मारा भी नहीं है, वो स्टोरी एकदम हैंग हो गई थी। लॉगी किससे बचाऊं, तेरे पीछे है कौन? चीफ घर पर नहीं है भाई, मेरे घर के बाद बहुत सारी मॉब्स हैं। वो पिद्दी ज़ॉम्बी, नहीं नहीं पिद्दी ज़ॉम्बी आराम से, पिद्दी ज़ॉम्बी मर जाएगा, इतनी तेज नहीं भागते, मर जाएगा तेरी भैंस की आंख। क्या है ये, क्या है पिद्दी ज़ॉम्बी, क्या है? सोता नहीं है तुम लोग सोते हो गए नहीं? लॉगी हट हट तेरी मैं। भाई घर के बाहर मेरे बहुत सारे आपके एन्चेंटमेंट रूम में भी थे, मैंने सब देखा। क्या पिद्दी ज़ॉम्बी? नहीं कोई अलग तरीके के मॉब्स है भाई। ओह नो, वो गोलम्स कहां पे हमारे? आई थिंक इन लोगों ने हमारे सारे गोलम्स मार दिए यार। व्हाट द हेल, ये क्या चीज है? लास्ट टाइम तो गाइस हमने बंदूकों की मदद से ये पूरी मॉब्स मार दी थी, लेकिन इस बारी येरा, ये कौन कौन से? हेलो चचू, देख अपने घर चला जा, देख तेरी आगे पीछे से मेरे को। ओ भाई भाग, लॉगी भागी हमारे पीछे आ चुके। नहीं नहीं घर के अंदर नहीं, घर के अंदर, घर के अंदर अलाउड नहीं है। हाँ दरवाजा मत खोलिए, नहीं तो मैं तेरे मैंने तीर कमान चेप देना। ओए दरवाजा खोल लाता है इसको। ओहो लॉगी मार दे उसके पीछे से, ढेर कर दे। पीछे से मार, मैं आगे से मारता हूं। नाइस। तो गाइस एक बार फिर से गाइस अजीब सी मॉब। ओ हेलो अंकल, आपके ब्रूइंग स्टाइल वो एन्चेंटिंग कर रहे हैं, दांत आपके बहुत अच्छे हैं। ये ले हट जा लॉगी, तू हटना बीच में कहां रहा है? एन्चेंटिंग कर रहा तू, तेरे को बताता। ओए हेलो बाबा जी, कैसे हो? ओए ओए क्या तुम, ये लेट क्या आ रहा है क्या? हेलो उठ के आले मामा, उठ के आले, रोल पे कबाड़ा कर रहा, उठ के आले। मैंने तेरे सर के अंदर तीरकमान मार देना लॉगी। ओए अच्छा अच्छा अच्छा, मत 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 उठ के मत लॉगी, हट तेरी मैं इसको, लॉगी को मारेगा। हाँ तू लॉगी को मारेगा, राइट। तो अभी मैंने नोटिस किया कि पोर्टल के पास से बंदे आ रहे हैं। ओके वहां पे जाके देखना पड़ेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सायरन हेड की कोई ना कोई पोर्टल है, और उसी पोर्टल। तू क्यों नाच रहे हैं? तू तेरे पेट में कीड़े पड़ गए हैं, उछल रहे हैं क्या? उछल रहे हैं, कीड़े पड़ गए, उछल रहे हैं। तो गाइस मैं ये कह रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सायरन हेड की कोई ना कोई यहाँ पर पोर्टल बनी हुई है, और उस पोर्टल के अंदर से सारी उसकी मॉब बाहर आ रही है। और ये कौन है भाई? किसकी बॉडी है यहाँ पर? मैंने सुबह सुबह तीन चार बॉडीज और भी देखी थी। हेलो भाई, ये मर रहे हैं, उठ रहे हैं, मर रहे। व्हाट द हेल। ओके तो गाइज हमें इस तरफ जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि यहाँ पे आखिरकार है क्या। एक मॉब वो खड़ी, चलो वो तो अपना नॉर्मल स्केली है। मुझे एक्चुअली बहुत डर लग रहा है, मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा कम है, और मेरे को गोल्डन एप्पल देख रखा है। ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर, वो भी दुबई सिटी के अंदर। ब्रो हमें तो बिल्कुल पता भी नहीं था कि दुबई सिटी के अंदर इतना बड़ा स्ट्रक्चर, और ये कितना स्कीरी लग रहा है। लोगे अगर रात को आए तो ये स्ट्रक्चर तो एकदम चमकेगा, पूरा ग्लोस्टोन से भरा हुआ है। मुझे भी गाइस रात को नहीं, मुझे भी लोगे रात को नहीं आना यार, ये दिन में इतना स्कीरी लग रहा है तो रात को कितना स्कीरी होगा भाई। आई थिंक ये लगता है कोई ना कोई स्ट्रक्चर जो है आसमान से गिरा है। क्यों स्ट्रक्चर है यार, मुझे तो एकदम से डर लग रहा है, अगर मैं पास में जाऊंगा तो मैं कहीं अंदर फंस ना जाऊं लॉगी। लेकिन मुझे ऐसा फीलिंग क्यों आ रही है कि ये सायरन हेड का घर हो सकता है। लॉगी तेरे पास टीएनटी तो है ना? टीएनटी मेरे पास है। एक वो रहा, एक बंदा सामने खड़ा है। तो मुझे लग रहा है कि बाद में आके गाइस हमें ये बिल्डिंग पूरी डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी, लेकिन अंदर जाने से पहले एक बार वहां से देख लेते हैं। लॉगी ऊपर देख मामा जी, जब तक ये मशीन घूम रही है तब तक हमारे गाँव के अंदर ये चीजें, अरे ये रही एंट्रेंस, तो तब तक हमारे गाँव के अंदर चीजें आती रहेंगी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अंदर जाके इस मशीन को बंद करते हैं। और मुझे गाँव वाले, और ये यहाँ पे किडनैप करके रखा हुआ, तो आई थिंक अबे मशीन के बारे लॉगी मशीन को रखो, क्विकली स्टॉप द मशीन। अबे क्या कर रहा है नीचे तू, बाहर निकल, इसको बाहर निकल लॉगी, रुक जा, इसको बाहर निकल, बाहर निकल चौधरी, नीचे इसको, ये तू यहीं पे फंसा रहा, तेरी सजा ही है ये, तू नीचे गया क्यों? ओके तो गाइस एक बहुत ही अनजान जगह पर आ चुके हैं। सबसे पहले यहां से गोल्डन एप्पल ले लो। वैसे मार्क तो छोरे के पास बहुत ज्यादा है, यहां पर रेडस्टोन एम्ब्रल सारा एकदम से कनेक्टेड है। तो गाइस
तोड़ो उस रेडस्टोन को। मुझे लगता है कि रेडस्टोन सारी फसाद की जड़ यही है, यही कुछ ना कुछ खराबी कर रहा है, और इसी रेडस्टोन की वजह से हमारे शहर के अंदर कोई ना कोई मॉब्स जो हमें नहीं चाहिए वो सारी मॉब्स फिर से आ रही है। तो नीचे गाइस यहाँ पे बहुत ही गहरा बेस सा बना हुआ है, गुस्सा तो पड़ेगा यार। लग आ जा, वो वो व्हाट होली शिट, ये कैसा ट्रैप इसने सारे हटले बना कर रखे। वो तो ये मॉब यहाँ से स्पॉन हो रही है। ओके इसको मारते हैं। वाह मेरे को क्यों मार रहा है, ये फायर चार्ज कहाँ से आ रही है? वो आई डोंट नो कहाँ से आ रहा है, उसके पहले मारना पड़ेगा। तो गाइस यही खतरनाक मॉब है जो दुबई सिटी के अंदर हमला कर रही है, और मुझे लग रहा है कि इन्हीं के पार्टिकल्स जो हैं, इन्हीं की जो आत्मा जो सोल वगैरह है दुबई सिटी के अंदर टेलीपोर्ट होके हमारे ऊपर हमला कर रही है। सांड कहेंगे तू मारेगा हमको, तू मारेगा। दो यहाँ पर लॉगी, तो उनके भी फटाफट से खत्म करते हैं और पूरा अंदर ट्रैप तक जाके देखते हैं कि अंदर क्या है। लॉगी मेरे को लग रहा है, मेरे को डेफिनेटली लग रहा है कि अंदर सायरन हेड या सायरन मैन कुछ ना कुछ तो अंदर होगा। तो मैं तलवारें अपने निकाल लेता हूँ, गोल्डन एप्पल मैंने खा लिया तो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा जान मेरे को आ रही है। आई डोंट नो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम केव के अंदर जाके बड़ी ज्यादा बेवकूफी कर रहे हैं, लेकिन केव के अंदर तो जाना पड़ेगा। टॉर्चेस यहाँ पर रखी हुई हैं ऑलरेडी इन लोगों ने, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई ना कोई आया है। टॉर्च को फॉलो कर, क्योंकि जो भी यहाँ पर आया है उसने ही टॉर्चेस रखी होंगी। ओके नाउ वी हैव ए लिटिल प्रॉब्लम, फायर विल सेव यू। तो फायर विल सेव यू, सिंपल तरीका, नीचे लावा है तो एक काम करता है, अगर मैं नीचे कूदूंगा तो फायर मेरे को सेव कर देगी। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शान पट्टी कर रहा है, तो सारी खतरनाक चीजें मैं यहाँ से उतार लेता हूँ। लॉगी पहले मैं जाऊंगा, राइट रेडी है, फायर विल सेव यू। तो ऑब्वियसली लावा मेरे को सेव करेगा। नहीं नो, मेरे को बचा, ओली मोली मैं मरने वाला हूँ। अच्छा भाई साहब ये पेंटिंग से पीछे कहाँ पर है यार, कुछ भी नहीं है पेंटिंग। ओ पेंटिंग के पीछे दरवाजा सा बना हुआ है, अरे पेंटिंग के पीछे दरवाजा बना हुआ है। लगी हट जा सामने, हट जा साधा, ज्यादा डिंगा सीधा मत तो मेरे सामने, पहुंचने की जरूरत नहीं है। ये देखिए देखिए ये देख, एंड पट से क्या देसी टोटके। किधर कैसे जाना, उधर सामने। अबे सारा ऑब्जेक्ट बन गया ना, तो एक काम करते हैं, अगर मैं यहाँ से छलांग मारूं तो आई थिंक आई कैन मेक। अबे हट जा पहले, मुर्गे को जाने दे, मरा पहुंच गया तू। ओके यहाँ से गया, मैं बच गया। वो बच गया यार, एपिक टोटके, एपिक टोटके। मेरे भी हाथ चले गए। काम करते हैं, मेरे पास गोल्डन एप्पल तो है ना, तो फटाफट से गोल्डन एप्पल खाओ और यहाँ से काट निकालने है। ला गए यार, आधे साधे फायदे सीधे फंडे मेरे को पता होते हैं ऑलरेडी। लेट्स गो, यस वी कैन डू दिस ब्रो। ओके तो सामने गाइस मेरे को खतरनाक वाली, नो वो शिट, पानी डाल बच गया भाई। ऑलराइट तो यहाँ पर कुछ खतरनाक चीज हो के, आई थिंक ये पावर स्टोन्स हैं, थानोस। ओरे भाई ये थानोस के स्टोन्स हमारे हाथ में आ चुके हैं। ओके नाइस, वी गॉट दिस ब्रो। तो अगर मैं यहाँ से सारे स्टोन निकाल लूं तो सारे स्टोन मेरे को देख रखे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर थानोस का गॉन्टलेट भी होगा। कहाँ पर है यार, यहाँ पर होने पड़े हुए हैं भाई साहब। मेरे को लगा था कि थानोस का एक ही गॉन्टलेट है, लेकिन यहाँ पर तो पूरे होलसेल में बिक रहे हैं। क्या बात है, तो अभी गाइस मेरे पास फुल ऑन पावर आ चुके हैं। अभी लगी सारे हट को, तू रहने दे, तू सारे हट को मारने से पहले सबसे पहले थोड़ा बहुत सोना यहाँ से लूटते हैं। हाँ भाई हूं बोल, हूं बहुत भोंपू बजाया था ना, सुबह 4 बजे उठता हूँ भाई, सुबह 4 बजे उठ के हमारे कुकड़ भांग नहीं देते जितना भोंपू ये बजाता सुबह 4 बजे उठ के। और अभी ब्रो तेरे को मारने का बिल्कुल खतरनाक, हाथ मेरे पास मत आइए, बहुत ही देखा है एक बुक्स पड़ गई ना तेरे को, तेरा मुंह दूसरी तरफ घूम जाएगा, पहले ही दो मुंह है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि कौन से मुंह पर मुक्का मारूं। तो गाइस अभी मेरे पास मैं वीत पाऊंगा तो मेरे पास ब्लैक होल की पावर आ जाएगी। वो मैं खुद चला गया ब्लैक होल के अंदर, कैसे हो चाचू, कैसे हो। ओके राइट, तो मेरे पास ओके तो ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओ थानोस, ओ शिट, बिगाड़ सकता है मामू, तू बोल रहा कि मेरे पास थानोस की पावर है, शिट होल्ड ऑन, मैं यहां से, मुझे इतना पता, इसे रुक जाओ मैं भी नहीं मारूंगा, मुझे इतना पता कि मैं थानोस की पावर से उड़ सकता हूं, तो अगर मैं एक्स दबाऊं तो मैं यहां से उड़ के बाहर आ सकता हूं। तो अगर मैं एक्स दबाऊं, वो नहीं
नहीं, नीचे जा, मैंने इसको गिच्ची से पकड़ लिया, सॉरी नहीं पकड़ता, इसको लगा था कि मैं इसके ऊपर अंडरटेकर का चॉक स्लैम मारने वाला हूँ, तो मुझे यहाँ पर अपने लिए एक छोटी सी पोर्टल खोलनी है और वो पोर्टल इसको लेके जाएगी वॉइड के अंदर। तो अगर मैं वी दबाऊं तो यहाँ पर मेरे को डायमेंशन लिखनी है 0000 और ओपन पोर्टल। देख ले चाचू पोर्टल देख रहा है, पोर्टल बंद होने से पहले तेरे को अंदर जाना है पोर्टल के अंदर, घुस जा पोर्टल के अंदर एंड पट से। अभी मेरे को यहाँ से बाहर निकलना है और अभी गाइस इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही खतरनाक आइडिया आया और वो है कि मुझे इस बड़े स्ट्रक्चर के ऊपर मारना एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल, और ब्लैक होल मारने के लिए मैं दबाऊंगा बी और लीजिए गाइस, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। सबसे पहले मुझे सारा स्ट्रक्चर हाथ से तोड़ना होगा ताकि मुझे स्ट्रक्चर की एक एक चीज गाइस एक एक चीज मुझे यहाँ से डिस्ट्रॉय करनी है, और इसी के साथ ही फट से ब्लैक होल गया एंड वी डिड इट। भाई मोस्टली टूट चुका है, मोस्टली जो है यहाँ से पूरा छेद हो चुका है, बाद में अगर और भी कर देंगे वी डिड इट। तो गाइस इसका मोस्टली स्ट्रक्चर में डिस्ट्रॉय कर दिया और थानोस की पावर से मैं हॉली हॉली इसका पूरा जो बेस है एकदम से डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तो सारे नेट की पूरी हिस्ट्री जो है सारी हमने खत्म कर दी है। तो चलिए गाइस इस छोटे से एडवेंचर में इतना काफी है, मैं मिलता हूं नेक्स्ट एडवेंचर में, टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।